ये देखो इंटरव्यू अच्छा गया। हाँ, सही कहा। ये अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? बस थोड़ा बाकी है। और खास करके ये दो जो पार्ट्स है इन्हें ठीक से करना। ओके। तुम्हें अब लाइव कंटेंट प्रिपेयर करना होगा और प्रॉपर्टीज भी। समझ गई। लुलू, शेंग्यू, कैसा रहा सब? तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था? कि तुम सबसे बेस्ट हो। मुझे अच्छे से याद है, लेकिन ये अडल्ट लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम अच्छे। डायरेक्टर शो, एक बुरी खबर है। सुबह से युफू ने कोई कांटेक्ट नहीं किया। अगर वो नहीं आया तो लुलुओ लाइव नहीं जा पाएगी। चिंता मत करो, वो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस नहीं करेगा। लेकिन शिंग्यू, स्लॉट तो खत्म हो गया। तुम शुरू करो, मैं देखती हूँ। शिंग्यू, क्या ये शुरू हुआ? हाँ, हो गया। हेलो गाइस, मैं लुलुओ हूँ, बहुत दिनों बाद। देखो ना कितनी बेशरम लड़की है। मैं देखता हूँ कि वो कैसे माफी मांगती है। मैं उसे पहले बहुत पसंद करती थी, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि ये ऐसे करेगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। आप लोगों को कुछ गलत फहमी हुई है। मैं यहाँ आप लोगों से माफी मांगने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं आप लोगों को ये दिखाने आई हूँ कि मैंने चोरी नहीं की। तो अगर आप मुझ पे इल्जाम लगाओगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुमसे गलती हुई है, ये मान क्यों नहीं लेती तुम? मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं इसे क्यों मानूं? कितनी शर्म की बात है, तुम बहुत बुरी हो। मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद। अगर आप पसंद नहीं करते तो आप जा सकते हो। लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर एग्जिट का बटन है, तो फिर मिलते हैं। लुलू, ये सब बहुत बुरे हैं। मुझे इनसे कुछ नहीं कहना। क्या टाइम हो रहा है? अभी भी ऑनलाइन नहीं है। तुम सिर्फ थोड़ा वक्त इंतजार करो। ये देखो, ये कुछ ज्यादा नहीं हुआ। पता है ये सब सही नहीं है। जल्दी से फ्री हो जाओ, वरना मैं सारे टर्म्स भूल जाऊंगा, याद रखना। मिस्टर मो, मैंने अभी जस्ट एक अर्जेंट मीटिंग थी, उसे फिनिश की। जल्दी ऑनलाइन जाओ। वो आ गए। वो ऑनलाइन आ गया। जाओ शुरू करो। हेलो दोस्तों, मैं हूँ ईफू। मुझसे बात करने के लिए थैंक यू सो मच। आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे अपने दोस्त के बारे में आप लोगों से कुछ कहना है। ईफू, सबका मानना है कि मैंने आपका वर्क कॉपी किया, तो आप सभी को बताइए कि क्या सही है और क्या गलत है। ओके, तो एक इम्प्रॉम्प्ट कंपटीशन करते हैं। ठीक है, करते हैं। देखो, आज दिन बहुत अच्छा है, तो हम आसमान को एज अ थीम ले सकते हैं। ओके। कितना हॉट है। आखिर उसने कर ही दिखाया। मिस्टर मो, ये सब कुछ आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है। थैंक यू। रिटर्न काफी कम है, मैं अपने इन्वेस्टमेंट पर कम रिटर्न्स नहीं लेता, तो मुझे सिर्फ थैंक यू नहीं चलेगा। तो बताइए मैं आपके लिए क्या करूं? मैं सोच के बताऊंगा। ये क्या हो, क्या गया है तुम्हें? हाँ, देखो जरा अपनी क्या हालत बना के रखी है तुमने। डेथ ऑफ मैरिट जैसे लग रहे हो तुम। गुरुदयन, प्लीज मुझे कुछ सर्दी की दवाई दे दो, दोपहर में मेरा क्लास है। चलो भी, अब ऐसे तो तुम क्लास नहीं जा सकते। मैं तुम्हारी बहन को कॉल कर देता हूँ, समझे? नहीं, मेरी बहन को मत बताना, वो वैसे भी बहुत बिजी है।
अगर ऐसी हालत में मैं घर पे जाऊंगा ना तो मेरी फैमिली का मूड ही खराब हो जाएगा। लेकिन तुम यहाँ नहीं सो सकते, यहाँ तो बेड भी नहीं है। थैंक यू यार, तुम इस जगह का मुझसे रेंट नहीं ले रहे। कोई सर्दी की दवाई है? हाँ। नहीं 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 नहीं, नहीं यहाँ पे कोई मेडिसिन नहीं। तुम अपनी बहन को तकलीफ नहीं दे सकते, बराबर ना? तो जाओ और जाकर अपनी दूसरी बहन को तकलीफ दो ना तुम। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता फैक्ट्री मुझे इस हालत में देखे। अरे यही तो सही वक्त है, तुम्हारा दोस्त होने के नाते इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। रुको जरा। अब देखो क्या होता है। क्या रिप्लाई आया? अगर बीमार हो तो दवाई खा लो, बस इतना ही। यूयू मैं लेमी से ही आ रहा हूँ, उन्होंने कहा तुम वहाँ नहीं हो। क्या काम था? तुमने मुझे रिप्लाई नहीं दिया तो मैं तुमसे मिलने यहाँ आ गया। तुम अभी भी नाराज हो? देखो आई एम सॉरी। ओके अब इसकी जरूरत नहीं है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। इतनी इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स है तो क्यों ना हम उसे सॉल्व कर लें। हम ये पहले भी सॉल्व कर लिया करते थे ना। तुम्हें लगता है कि मैंने ये डिसीजन गुस्से में लिया है? सब कुछ बदल चुका है, कुछ भी पहले जैसा नहीं है। लुलुओं की मदद के लिए शुक्रिया। तुम अपने गिफ्ट्स ऐसे ही दूसरों को दे देती हो। वैंग जी, ये फूड बहुत ही टेस्टी है, ये लो तुम्हारे लिए, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। वैंग जी, मैंने सुना है कि तुम डाइट पर हो। हाँ। मैंने तुम्हें नोटिस किया, तुम हमेशा कोई ना कोई परेशानी में उलझी रहती हो, तुम थक नहीं जाती? हमेशा दूसरों पे अपनी चलाते रहते हो, थक नहीं जाते हो क्या? वैंगजी, अगर तुम्हारा हो गया होगा तो सारे मटेरियल्स को सॉर्ट करो और मेरे पास भिजवा दो। नहीं, थोड़ी देर बाद भिजवा दो। तो सर, हम इन्वेस्टमेंट के बाद फ्रेमवर्क एडजस्टमेंट को रिवाइज कर लेंगे। कोर टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ साथ बाकी डिपार्टमेंट्स को स्ट्रीमलाइन करना होगा। तो इसका मतलब है मिस्टर जिया और बाकी मैनेजर्स को फायर करना होगा। ठीक है, मैं ये देख लूंगा। ये मिस्टर जिया कंपनी के फाउंडर्स में से एक है, कंपनी उनके लिए बहुत मायने रखता है। मैं लगभग एक महीने से उनसे बात कर रही हूँ लेकिन वो मान ही नहीं रहे, काफी जिद्दी है। समझ गया, मैं इसे अपनी तरह से हैंडल करूंगा। ओके, टेक योर टाइम सर। तुम्हें मेरे एटीट्यूड के बारे में पता है ना? ये शेन, ये जो कंपनी है इसकी शुरुआत मैंने की थी। ये कंपनी मेरे बच्चे की तरह है
और हाँ, कोई भी बाप अपने बच्चे को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। और तुम मुझसे ये चाहते हो कि मैं ये कंपनी बंद करूं? नहीं हो सकता। मैं आपके फीलिंग्स के रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आपकी कंपनी पिछले 5 सालों से लॉस में है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हमें कुछ नया तरीका सोचना होगा। अब इसी का एग्जांपल ले लो। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या बचाना है। कभी कभी गिव अप करना हमारे जिंदगी का गलत फैसला नहीं होता। तुम हमेशा से ही पैसों के बारे में सोचते आए हो, तुम्हें बस प्रॉफिट चाहिए, पर तुम्हें इंसानियत की समझ नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि ये कंपनी बेहतर हो रही है और मैं पीछे रह रहा हूँ, और जब तक मुझसे हो सकता है तब तक मैं हार कभी नहीं मानूंगा। आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है? आपके ये फीलिंग्स, इसीलिए आपकी हमेशा हार होती है और मेरी जीत। तुम आपने काफी सालों से मेहनत की है और आपने सब कुछ हासिल भी किया है। चाहे लीडर कितना भी अच्छा हो, एक दिन उसे रुकना ही पड़ता है। अगर तुमने मन बना ही लिया है तो मुझसे आके क्यों पूछ रहे हो लेमी के बारे में? वैसे देखा जाए तो मैं आपको अपने पिता के समान मानता हूं। मैं तुम्हारे पिताजी के साथ 30 साल था, पर यह नहीं सोचा था कि मुझे यह दिन देखना पड़ेगा। जब मैं जवान था वो मुझसे कहा करते थे कि लोगों में इंसानियत होनी चाहिए। तुम्हें ऐसे देख के उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होगी। मुझे वो गलतियां वापस दोहरानी नहीं थी जो मेरे पिताजी ने की। आप चिंता मत कीजिए, मेरे मैनेजमेंट के अंडर यशिन एक बेहतर कंपनी बनेगी। जब मैं जवान था वो मुझसे कहा करते थे कि लोगों में इंसानियत होनी चाहिए। तुम्हें ऐसे देख के उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होगी। मुझे वो गलतियां वापस दोहरानी नहीं थी जो मेरे पिताजी ने की। इतना बीमार होने के बाद भी वो मन लगा के काम कर रहा है क्या? इतना सब देख कर भी कठोर फेंगशी का दिल नहीं पिघल रहा है क्यों? तो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि आप कैसे अपने फेवरेट पर्सन का पोर्ट्रेट बना सकते हैं, और आज का आपका होमवर्क भी यही है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, आप सब जा सकते हैं। गुड बाय सर। मिस्टर शू, मैंने सुना है आपको कोल्ड हुआ है, क्या आपने दवाई ली? हाँ, बस इतना कुछ नहीं, ठीक हो जाऊंगा। आपको अपने सेहत का ध्यान रखना चाहिए। लीजिए, मेरे पास एक मेडिसिन है। नहीं थैंक यू। नहीं, मैं आपके लिए बना देती हूँ। गॉड ब्लेस मी। ये लीजिए। अरे थैंक यू, वेलकम। अगर ये सब देखने की शी यहाँ होती ना तो बहुत मजा आता, वो पक्का जेलस हो जाती। लगता है मैं फालतू में यहाँ आ गई उसकी केयर करने के लिए। यहाँ पर लोग जो है अनेक्षी, तुम आ गई। तुम शूमी को मिलने आई हो ना? फैंक्षी, परफेक्टो। मैं कितना अच्छा हूँ इस काम में। श
रशिंग यू? फ्राइडे को ओवरटाइम नहीं करना है। मेरा होने के बाद मैं निकल जाऊंगी। ज्यादा लेट मत करना। बाय बाय। बाय बाय। बाय। हेलो, बोलिए। क्या ये मिस शू बात कर रही है? आप कौन? जिस अपार्टमेंट के बारे में आप इंक्वायरी कर रही थी वो अभी अवेलेबल है, आप बुक कर सकती है। दैट्स ग्रेट, मुझे लिंक सेंड कर दीजिए। थैंक यू। ये घर कितना प्यारा है। यस। ला 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 ला। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। मिस्टर मो, आपको यहाँ ऐसे नहीं आना चाहिए। और अब जब आप मुझे डिस्टर्ब कर ही रहे हैं तो यहाँ से चले जाइए। क्या हुआ? मुझे मेरा रिटर्न चाहिए। मिस्टर मो, क्या यही आपका एटीट्यूड है? आज मेरा मूड बहुत खराब है, प्लीज मेरे साथ रहो। मैंने नहीं कहा था कि मैं ये खेलूंगी। अब काफी लेट हो गया, अभी ये बोल के कोई फायदा नहीं। मुझे जोर से पकड़ना, मुझे बहुत डर लगता है। मैं राइड का मजा लिया, तुम्हें पकड़ के बैठूं? आराम से बैठो। आराम से ही बैठा हूं मैं। तुमने अपने आप को ज्यादा स्मार्ट। क्या हमें सच में करना चाहिए? मुझे सच बताना, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मतलब किसी भी चीज का? नहीं तो। अच्छा, बाद में मिलते हैं। इस राइड पे तो मैं पहली बार बैठ रही हूं। क्या बात कर रही हो? चलो शुरू होने वाला है। चल लूंगी। I'm sorry. तुमने खुद मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ रुकूं, और तुमने माफी भी मांगी। या तो तुम अच्छे से रहो या फिर बुरे बन के रहो ना, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। सही कहा, कुछ समझ नहीं आता। आज तुम अजीब लग रहे हो, क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, मैं 10 सालों से काम कर रहा हूं और आज मैंने फिर से, मैंने वही किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो अब तुम्हें गिल्टी लग रहा है? प्रैक्टिकली सोचे तो मैंने जो फैसला लिया वो सही है, पर इमोशनली देखे तो जब लेमी के रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही थी तो मैं तुम्हारे पास आई। उस वक्त तुमने मुझसे कहा था कि जो अच्छा है वही टिकेगा, और मुझे ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए काम की जगह। तुम्हें पता है, तुम सच में बहुत अनाइंग हो जब तुम अपने दिमाग की सुनते हो, पर फिर मैं सोचती हूँ कि तुम बिल्कुल सही हो। सबके भले के लिए हमें अपनी ही फीलिंग्स को छोड़ना पड़ता है। तो अब जब तुमने इंटेलेक्चुअली राइट डिसीजन लिया है तो अपने आप को तकलीफ देना बंद करो। तो इसका मतलब है
तुम मेरे ये फैसलों को अप्रूवल दे रही हो। हाँ ऐसा कह सकते हैं। अगर ऐसा है तो मेरे साथ एक और गेम खेलना पड़ेगा। तुम्हें चिल्लाते हुए देखकर मेरा स्ट्रेस चला जाता है। तो अब तुम देखो। कैसे संभाल लेती हूँ? देखो वो सारे एक्साइटिंग गेम खेलने से सच में स्ट्रेस चला जाता है, पर वो सब तो हम ऐसे भी कर सकते हैं एकदम शांति से। और वैसे भी अब हम दोनों छोटे बच्चे नहीं रहे, एक्साइटिंग गेम्स हमारे हार्ट के लिए अच्छे नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम इसके लिए भी सुटेबल नहीं हैं। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? काफी डिमांड में रहते हो। लगता है मेरा ही टाइमिंग गलत था, मैंने ही तुम्हें डिस्टर्ब किया। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कर रहे हो, पकड़े रहो। शायद तुम्हें बुखार आ सकता है, दवाई ले लो। ये लो। ये कड़वी तो नहीं है ना? चुपचाप लो। दवाई नहीं लोगे तो अच्छा कैसे लगेगा? ए मिस्टर, तुम्हारे खुद के हाथ नहीं है क्या? खुद पी लो। के ये लो। तो क्या इरादा है, तुम अभी भी स्टूडियो में रहना चाहते हो? अभी तक कुछ सोचा नहीं है। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। अब पियो भी, कहाँ खो गए। थैंक यू। आपका मुझे थैंक्स कहना काफी अजीब है। ये अजीब नहीं है, मैं कभी कभार थैंक यू कह देता हूँ। मैंने तो बस आपका फेवर रिटर्न किया। अगर आप सच में थैंक यू कहना चाहते हैं तो प्लीज मुझसे दूर रहिए। और हाँ, मैं चाहती हूँ आप हमेशा खुश रहें और मुझे परेशान ना करें, बस इतना ही। मैं पहुँच गई। ठीक है, तुम ये बात से मुकरना मत। जरूर। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। पार्टी ए की चीजें यूज ना करें परमिशन के बिना। पार्टी ए का प्राइवेट डोमेन हर रात 11 बजे के बाद डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। पार्टी बी सिर्फ अपने रूम में ही रह सकते हैं, वो भी पूरी तरह शांति से। पार्टी बी को पार्टी ए से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। रेंट पेमेंट की बात करें तो पार्टी बी पैसे नहीं दे सकती, इसलिए वो घर के कामों में हाथ बटाएंगे। पार्टी बी को रूम की साफ सफाई और घर की साफ सफाई हर दिन करनी होगी। वैसे मैं खाना भी बना सकता हूँ, तुम्हारे कपड़े भी धो सकता हूँ, चाहो तो ये भी ऐड कर दो। पागल हो गए हो क्या? ये मेरी मर्जी से सारे पॉइंटर्स ऐड किए हैं। साइन करते हो या नहीं? नहीं नहीं, मैं साइन करता हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम जैसा चाहोगी वैसे ही होगा।
जोड़ियों में वैसे तुमने बहुत काम किया है, फिर भी मुझ पर चाइल्ड लेबर का इल्जाम मत लगाना। नहीं नहीं, अच्छा तुम भी वहाँ साइन कर दोगी क्या? नहीं मतलब तुम्हारी सेफ्टी के लिए। क्या तुमने कभी लैंडलॉर्ड को ऐसे साइन करते हुए देखा है? ठीक है। तो सुनो, अब जो तुम घर से बाहर निकल ही गए हो, पूरी मेहनत करना, मॉम डैड की कोई चिंता मत करना। ओके? दीदी ने भी बिल्कुल यही कहा था। और मैं उसकी फ्रेंड। तुम जो चाहोगी मैं वो करूंगा। मैं यही चाहती हूँ। तो फिर क्या मैं आज रात से यहाँ आ जाऊं? अरे शुवे, तुम इतनी रात को फैंगशी के घर पे क्यों हो? दीदी आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं जब चाहे यहाँ आ सकती हूँ। एक मिनट रुको, इनका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। ये है प्रिंसेस शु और ये मेरी VVVVVIP गेस्ट है। ओके? वैसे ये मेरा नया किरायेदार है। किरायेदार? दफा हो जाओ। हाँ? Article 6, अगर पार्टी ए के मेहमान आएंगे, कोई मीटिंग्स है या पार्टीज है, तो पार्टी बी वहाँ से दफा हो जाएंगे। अरे लेकिन ये कैसी अग्रीमेंट है? दीदी आपको ये सब ठीक लगता है? बाद में मिलते हैं, इसको अपने घर में लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओ कम ऑन, इसमें कौन सी बड़ी बात हुई? तुम्हारा रेंट तो कुछ ज्यादा ही कम है। तुम असल में उसकी सगी बहन हो ना? आज मेरी आवाज तो चली गई है, मुझे अब पता चल चुका है कि उस पोकर फेस को लोगों को सताना अच्छा लगता है। तो फाइनली तुम समझ ही गई, मैं तो पहले से ही बता रही थी। लेकिन तुम्हें हुआ क्या है? हाँ यकीन नहीं होता तुमने सारे डिमांड्स मान लिए। इतनी भी कुछ खास बात नहीं थी, मैंने बस सोचा कि उसे अच्छा नहीं लग रहा तो साथ रहती हूँ। वो बेचारा लग रहा था। क्या कहा, वो बेचारे थे? तुम कुछ भी बोलती हो। समझो ना, उसका मूड बहुत खराब था और उसने तो मुझसे इतनी सारी बातें कही रैशनलिटी और सेंसिबिलिटी को लेकर, और उसने मुझसे ये भी पूछा कि क्या वो मुझे हार्टलेस लगता है। मैं उसे कब से जानती हूँ पर पहली बार वो मेरे साथ इतना फ्रेंडली था। फ्रेंडली थे? जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या ये मिस्टर जिया की वजह से? कौन? कुछ नहीं, काम से रिलेटेड है। लेकिन अगर उनका मूड खराब होता तो वो फ्रेंड्स के साथ जा सकते थे, तुम्हारे साथ क्यों गए? क्योंकि मेरा नसीब खराब था। मुझे ये रीजन नहीं लगता, वो तो बस नाटक ही करते हैं ताकि तुम्हें उन पर तरस आ जाए। तुम कहना चाहती हो कि वो जानबूझकर कर रहे हैं? ये कितना ऑब्वियस है यार, वैसे तो वो दिन भर कितने कूल रहते हैं, लेकिन तुम्हारे सामने वो अचानक अपने दिल की बात क्यों करने लगे? उनका तो यही प्लान होगा कि धीरे धीरे तुम्हारे मन में उनके लिए स्पेशल जगह बनेगी और तुम्हें उनसे प्यार हो जाएगा। तुम ना आजकल बहुत बकवास करती हो, मैं उससे प्यार कर ही नहीं सकती। शिफ्टिंग हो गई। आओ यहाँ बैठो। यो तुम्हारा नया अपार्टमेंट कैसा है? तुम्हें वहाँ कोई तकलीफ तो नहीं ना, क्योंकि तुम ओवरटाइम भी करती हो? आप चिंता मत करो, मैं वहाँ पर बिल्कुल सेफ हूँ। और वहाँ तुम्हें थोड़ा आराम तो मिल रहा है ना? अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और खुद का ख्याल रख सकती हूँ, आप चिंता मत करो। तुम किसी रेस्टोरेंट में जाओ या शॉपिंग करने जाओ, हमें उस बात की इतनी भी फिक्र नहीं है। हमें सिर्फ तुम्हारे और योंशी के बारे में सोचकर। वैसे योंशी का क्या? मॉम, हमने कहा था हम वो बात नहीं करेंगे। हमें बस इसी बात की फिक्र है कि तुम रिग्रेट करोगी। मुझे रिग्रेट तो है कि मैंने पहले ही क्यों ब्रेकअप नहीं किया, नहीं तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। डैड, मैं यहाँ से जा रही हूँ, अपनी सारी दवाइयाँ वक्त पे ले लेना।
मॉम, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। तुम्हारे डैड अभी समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ दिनों में वो समझ जाएंगे। यो, मुझे पता है कि तुम रिश्तों को बहुत मायने देती हो। अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती कि तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ तो मैं पूछूंगी नहीं, लेकिन सपोर्ट करूंगी। वैसे तुम्हारे जाने के बाद डैड मुझसे झगड़ा करेंगे तो? डैड और आपसे झगड़ा करेंगे, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है। अब मैं चलती हूँ। वैसे तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था? याद है, हर हफ्ते आपको मिलने आना, अगर मैं परेशान हूँ तो आपको बताना, पहले 3 महीने रहने की कोशिश करना। सही कहा ना? बाय बाय। बाय बाय। शिफ्टिंग में तुम्हारी मदद करके मैं थक गई हूँ। अरे तो मैं नहीं थकूं। हाँ वो भी है। तुम लोग जरा जल्दी करोगे? हाँ बस पहुँच गए, राइट है ना? थैंक यू सो मच। ये गमला कहाँ रखूं? पहले उसे यहाँ पर रखूं। मिस्टर जिया ने रेजिग्नेशन का एग्रीमेंट साइन किया है। आपके रिक्वेस्ट के मुताबिक हमने उसमें कोर फाउंडर का वीटो राइट भी ऐड किया है। और जो शेयर होल्डर कंट्रोल है यूशिन पर वो भी बरकरार रहेगा। ठीक है मिस्टर मू। मिस्टर जिया के लिए वैसे भी आपने बहुत कुछ किया है, 30 साल से आप अपने परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं। तुमने मुझे अभी तक रिपोर्ट्स नहीं दी है, तुम्हारा बोनस कैंसिल होता है। क्या